जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज समझेंगे ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ग्लोब टेक्सटाइल्स को काफी दिनों से हम लोग इस पे बात नहीं किए हैं, तो आज इसके बारे में बात होगी। तेजी भी स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिल रही है, तेजी आने लगी है। कहां तक इसकी रफ्तार पहुंची और आगे कहां तक इस कंपनी का रफ्तार पहुंच सकता है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। यहाँ पे देखेंगे एक साल का चार्ट अभी ओपन है और एक साल का चार्ट पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि शेयर जो पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अब इसमें अप ट्रेंड आना शुरू हो गया है। और चूंकि अपने कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट के पास पहुंच चुका है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं 4 रुपए के लेवल, इसके आसपास आके इस कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ है। यानी कि अब इसको लगभग लगभग कह सकते हैं हल्का ब्रेक कर ही चुका और इसको ब्रेकआउट कर भी देगा। इसको इजीली ब्रेक करने के बाद ये प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर निकालता है, ये जो हाई आप देख रहे हैं 4.5 रुपए के आसपास, 4.5 रुपए के ऊपर निकालने के बाद प्राइस इजिली आपको यहाँ से कम इसको डबल कर सकते हैं 7-8 रुपए, कम से कम 8 रुपए तक तो आपको इजिली जाते हुए ये दिख जाएगा बहुत कम समय में। तो चार्ट पर इस स्टॉक में तेजी के संकेत मिल रहे हैं और यही तेजी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो एक दिन में छोटे छोटे आप तेजी देख रहे हैं, ये तेजी के बदौलत ही स्टॉक का प्राइस पहुंचेगा अपने 7 से 8 रुपए के लेवल तक। बहुत शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है चार्ट पर तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और सस्टेनेबल के साथ साथ जब आप मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है कि जब वॉल्यूम के साथ साथ कहीं भी ब्रेकआउट होता है किसी चार्ट पर, तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है। और सस्टेनेबल कहने का मतलब कि ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, इजिली जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट है वहां तक आपको पहुंचा देगा। तो जो लोग मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे इस कंपनी में, आप जैसे बहुत लोग क्या किए होंगे कि यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर निकाला होगा इस रेंज, चूंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसा माहौल था, तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बहुत से लोगों ने एंट्री ले लिया होगा। जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे उनकी तो अवेलेबल होगी। अब जो लोग अभी एंट्री नहीं ले पाए वो फिर क्या करेंगे, 4.5 रुपए के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी एंट्री लेंगे ना तो अभी देखिए, क्योंकि जिसमें बताया कि 4.5 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी ये इजिली 8 रुपए तक जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ तक गया और मान लीजिए यहाँ पे जाने के बाद चूंकि रेजिस्टेंस है, हो सकता है फिर इसी में आगे कुछ समय बिता और समय बिता के ऊपर निकाले। हालांकि समय बिता के अगर ऊपर निकालेगा तो फिर और लंबा टारगेट होगा, लेकिन अगर एक बार में निकाल देता है 7-8 रुपए तक जाएगा। और निकालेगा उसके बाद अभी तक जो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, जो नया व्यक्ति भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब मेन बात करते हैं क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो समझिए ग्लोब टेक्सटाइल जो कंपनी है, टेक्सटाइल के सेक्टर की एक अग्रणी कंपनी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे तो ज्यादा छोटे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हालांकि टेक्सटाइल में बड़े बड़े नाम है, हमारे देश में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करें जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और काफी चर्चित है। तो ग्लोब टेक्सटाइल्स इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स ऐसी कंपनियां हैं जो काफी चर्चा फेमस रहती हैं, चर्चा में रहती हैं। तो ये टेक्सटाइल के सेक्टर में कामकाज करने वाली कंपनी है, काफी फेमस कंपनी है, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाती है। तो काम के भी यहाँ पे भी यदि आप जाएंगे तो चूंकि टेक्सटाइल को लेकर मैं कहता हूँ हमेशा कि गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर पर फोकस रहता है और गवर्नमेंट चाहती है कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर को नंबर वन बनाया जाए, तो उस हिसाब से भी देखें तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ मिलने के चांसेस रहेंगे। और जब फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 100 करोड़ से ऊपर है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई ऐसा पेनी स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है तो वो लगभग सेफ जोन में उसको रखा जाता है, क्योंकि ओवरऑल उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि बुरे वक्त में सस्टेन कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर बहुत बढ़िया है। पी भी आपको ठीक ठाक मिल जा रहा है, पी उतना भी महंगा नहीं है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट हो रहा है चार्ट पर, ब्रेकआउट के बाद यदि प्राइस ऊपर निकला तो पी भी आपको महंगा होते हुए दिखेगा। और महंगा पी पे बाई करने से अच्छा है कि सस्ता पी पी पर आप इस कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। जो लेवल मैंने बताया उस लेवल का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी भी देखेंगे तो ये अभी आपको माइनस में नहीं है। सामान्यतः जो छोटी कंपनियां होती है उनका जो आरओई होता है वो माइनस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न कंपनी जनरेट करके साल भर में आपको दे सकती है। शेयर प्राइस भी आपको पी हिसाब से देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर मिल जा रहा है। अब देखिए, अब कुछ अदर चीजें आपको इस स्टॉक में मैं दिखाता हूँ। क्वार्टर्स के रिजल्ट में आप देखते हैं तो पाएंगे कि अब कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर की तुलना में ज्यादा आया है। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो पिछले कुछ समय में कुछ खास ज्यादा नहीं आया, पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो लगभग एक जैसा ही बना हुआ रह रहा है। एवरेज निकालेंगे तो लगभग बराबर ही आएगा, लेकिन अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो काम करती है कंपनी ओवरऑल सेक्टर में ग्रो कर रहा है, सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है ही, तो उसके हिसाब से कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी के साथ साथ जो सेल्स बढ़ने के जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट ये है, चूंकि पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले 2-3 क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। सेल्स देखेंगे तो सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले कुछ खास नहीं बढ़ा था, इसलिए प्रॉफिट भी इसी के आसपास आपको रहा है। हालांकि क्वार्टर्स के रिजल्ट 3-3 माह पे आते रहते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं। मान लीजिए इस क्वार्टर में रिजल्ट कम ही आया, अगले क्वार्टर बेहतर हो सकता है।
मेन चीज है जब बैलेंस शीट हम कंपनी का देखते हैं तो कंपनी के पास डेप्ट कितना है और वो डेप्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे कम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपने डेप्ट को जरूर कम किया है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में। और साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है, जो रिजर्व पैसा होता है, वो देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, पिछले कुछ समय में ये बढ़ा है। तो ये मेन चीज होती है कंपनी का, और जब बैलेंस शीट आप पढ़ते हैं तो ये चीज सही लग रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा इस स्टॉक में हो रहा है। और यदि बात करें इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें कितने हैं, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के तकरीबन 42% प्रमोटर्स इस स्टॉक में है। कोई भी ऐसा पेनी स्टॉक आप मुझे बता दीजिए जिसमें प्रमोटर्स की संख्या ठीक ठाक हो। सामान्य तो प्रमोटर्स होते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया वो खुद अभी तक इस कंपनी में बने हुए हैं, तो इस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का आपका अगर इस स्टॉक में विजन है तो आप बेशक इस स्टॉक में जा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक हिस्सेदारी भी लगभग दोनों की हिस्सेदारी ठीक ठाक है। ओवरऑल कहें इस स्टॉक में करना क्या है, तो एक सही लेवल देख के आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना है। और ये पहले से इन्वेस्टमेंट है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चलिए, समय समय पर प्रॉफिट भी बुक करते रहिएगा। और मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन इस स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़कर मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।